पंचवासुदा शहर में नहीं है स्टेडियम और सालों से चली आ रही मांग को कोई अधिकारी और नेता नहीं दे रहा है बच्चों पर ध्यान। जी हाँ, ये खबर गंजवासुदा शहर से हमारे पास आ रही है, जहां पर विधायक के निवास के सामने छात्रों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गंजवासुदा शहर के युवा प्रतिभाशाली युवाओं के लिए आर्मी भर्ती सहित अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए पर्याप्त मैदान नहीं है। इसके लिए शनिवार की सुबह करीब 50 और 60 युवाओं ने क्षेत्रीय विधायक लीना जैन के निवास के सामने SGS कॉलेज परिसर की दशा सुधारने के लिए प्रदर्शन किया। युवाओं ने बताया कि अगले महीने आर्मी की भर्ती होना है, उसकी तैयारी हम सभी लोग SGS कॉलेज परिसर में करते हैं, लेकिन इन दिनों कॉलेज परिसर की हालत काफ़ी ख़राब है। बारिश का पानी वहाँ भरा हुआ है, ज़मीन उबड़ खाबड़ है और वहाँ पत्थर और कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। इस वजह से हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अंदर कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी कर रखा है। इन लोगों ने मांग की कि कॉलेज परिसर को ठीक कराया जाए। वहीं विधायक ने भी युवाओं से कहा कि मैंने संबंधित अधिकारी को पत्र लिख दिया है, दोबारा से भी मैं पत्र लिखूंगी और जल्द से जल्द आप लोगों को मैदान उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इंडिया खबर लाइव के लिए LN चौबे के साथ सचिन शर्मा की एक रिपोर्ट। मुझे बहुत टैलेंट है, लेकिन हमारे शहर में खेल के लिए मैदान ना होने के कारण मैं अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाती। इसके लिए हमने खेल मंत्री से बहुत आवेदन भी किया है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। हमारे बासोदा में एक बार क्रिकेट ग्राउंड जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई बार हमने प्रिंसिपल मैडम से भी बोला, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकला। आज हम सदर सदर विधायक जी के आए, उन्होंने बोला कि कल लेटर भेज चुके हैं, लेकिन उसके बाद बावजूद भी बहुत ज़्यादा उसमें पूरी बस्ती का पानी आता है, वहाँ पे बोतल पड़ी रहती है, कांच मांच की बोतल पड़ी रहती है। हम आर्मी की तैयारी भी हो रही है वहाँ पे, लेकिन पिछले एक महीने बाद आर्मी की तैयारी भी है, उसके बावजूद कई बच्चे होंगे जो पाँव में दर्द है, रोड पे दर्द है, लेकिन ग्राउंड की हालत ख़राब है। छात्र बहुत परेशान है अपने भविष्य को लेके, उसके अंदर बहुत चिंता है। अगर कुछ ग्राउंड में नहीं होता है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन को मैं अब तक अवगत कराना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसका निराकरण करें।